हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू अ क्विज ऑफ क्लास साइंस फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम इस चैप्टर की रीडिंग एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं अभी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल एक मस्टर्ड प्लांट सरसों के पौधे का कौन सा पार्ट एडेबल है कौन सा पार्ट आप खा सकते हैं आपके ऑप्शन हैं ए सीड्स एंड फ्लावर्स बी लीव्स एंड फ्लावर्स सी सीड्स एंड लीव्स या फिर डी स्टेम एंड रूट्स मस्टर्ड प्लांट का एक पार्ट हम एज वेजिटेबल यूज करते हैं और एक से ऑयल बनता है तो वो कौन से दो पार्ट हैं ये आपको बताने हैं जो भी आपको लगता है आंसर वन ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी वो लिख लीजिए एंड में आपको बताया जाएगा करेक्ट आंसर क्या था तो वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज हनी बीज आर ऑफन सीन सिटिंग ऑन फ्लावर्स हनी बीज को आपने देखा होगा अक्सर फ्लावर्स पर बैठी होती हैं वाई डू दे डू सो वो ऐसा क्यों करती है आपके ऑप्शन हैं ए बिकॉज दे लाइक फ्लावर्स क्योंकि उन्हें फ्लावर्स पसंद है दे ले एग्स ऑन फ्लावर्स वो फ्लावर्स पर एग्स ले करती हैं अंडे देती हैं या फिर दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स

आपके ऑप्शन हैं ए काउ गोट रैबिट डेयर बी काउ गोट रैबिट वुल्फ या फिर वुल्फ गोट रैबिट डेयर या फिर काउ क्रो क्रेन एंड कैमल ए बी सी या डी किस सेट में चारों एनिमल्स हर बी वॉरस हैं फोर्थ क्वेश्चन इज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड वो एनिमल्स जो दोनों खाते हैं प्लांट्स और उनके पार्ट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल के फ्लैश यानी कि मांस को भी खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आपके ऑप्शन हैं ए हर्बिवोर्स बी कार्निवोर्स या फिर सी ऑमनिवरस ए बी और सी ये तीनों ही डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको चैप्टर वन में गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन इज ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स क्या है हर्बीवोर्स कार्निवोर्स या फिर ओमनिवरस या फिर डी डी कंपोजर्स विच वन इज नॉट अ फूड फॉर अल इनमें से एक गिलहरी के लिए कौन सा एक फूड नहीं है चैप्टर में कुछ एनिमल्स और क्या वो खाते हैं उनके नाम भी आपको पूछे गए हैं और कुछ दिए भी हुए हैं स्क्वेल की एक पिक्चर भी गिवन है कि वो किस टाइप का एनिमल है और क्या वो खाती है तो यहाँ पर फोर ऑप्शंस आपको गिवन है कौन सा स्क्वरल का फूड नहीं है वो आपको बताना है आपके ऑप्शन हैं ए ग्रेन्स अनाज बी स्मॉल इंसेक्ट छोटे इंसेक्ट्स कीड़े या फिर सी फ्रूट्स डी नट्स विच इज नॉट अ फूड फॉर अ स्क्वेर सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट वेजिटेबल इनमें से कौन सी एक रूट वेजिटेबल नहीं है किस वेजिटेबल की रूट नहीं खाई जाती आपके ऑप्शन हैं ओ oh, सॉरी कौन सी रूट वेजिटेबल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट वेजिटेबल ऑप्शन हैं ए पोटेटो बी कैरेट सी क्यूकंबर या फिर डी अनियन ए बी सी एंड डी इनमें से कौन सी एक रूट वेजिटेबल है एट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम राइस इनमें से किस चीज को आप राइस से प्रिपेयर कर सकते हैं ये भी एक प्रॉपर टेबल गिवन है राइस से क्या क्या फूड आइटम्स बनते हैं बीट से क्या बनते हैं पल्सेस से क्या चीजें बनती हैं तो so, सभी क्वेश्चंस चैप्टर से ही है अगर आपने अच्छे से रीड किया है चैप्टर को वैसे भी जनरल क्वेश्चन है राइस से क्या आप प्रिपेयर कर सकते हैं आपके ऑप्शन हैं ए ब्रेड बी दलिया सी सांबर या फिर डी इडली विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम राइस ब्रेड दलिया सांबर और इडली नाइन्थ क्वेश्चन इज द रॉ मटीरियल्स यूज टू प्रिपेयर अर डिश आर कॉल्ड किसी भी डिश को बनाने के लिए जो रॉ मटीरियल हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल खीर बनाने का प्रोसेस गिवन है आपके चैप्टर में तो उसके लिए राइस चाहिए मिल्क चाहिए शुगर चाहिए तो ये जो तीन चीज़ें हैं जो उसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है जिनकी इन्हें हम क्या बोलते हैं आपके ऑप्शन हैं ए पॉड्स बी न्यूट्रिय या फिर स्प्राउट्स या फिर इन्ग्रीडियंट्स किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं पॉट्स न्यूट्रिएंट्स स्प्राउट्स या फिर इंग्रेडिएंट्स टेंथ क्वेश्चन इज शुगर कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शुगर एंड जैगरी गुड़ और चीनी किस प्लांट से हमें मिलती है आपके ऑप्शन हैं ए शुगर केन बी बनाना सी नट या फिर डी पैडी शुगर केन बनाना ग्राउंडनट पाड़ी गन्ना केला मूंगफली या फिर धान के खेतों से इलेवेंथ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ अ पटेटो प्लांट इज ईटन एज फूड पटेटो का आलू का कौन सा पार्ट हम एज फूड खाते हैं उसके सीड खाए जाते हैं स्टेम खाया जाता है रूट खाई जाती है या फिर फ्लावर्स खाए जाते हैं पटेटो का बीज हम खाते हैं तना खाते हैं जड़ खाते हैं या फिर फ्लावर्स फूल खाते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट अ रूट ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट इनमें से कौन सा फूड आइटम उसके पेरेंट प्लांट की रूट नहीं है आपके ऑप्शन है कैरेट रेडिश अनियन या फिर टर्निप गाजर मूली प्याज या फिर शलजम ग्रोन आउट ऑफ अ सीड इज कॉल्ड ये एनसीआरटी की पिक्चर है आपकी बुक में बताया हुआ है कि पहले ये नॉर्मल आपके सीड्स थे उसके बाद कुछ दिनों तक अगर आप इनको पानी में भिगोकर रखेंगे या फिर थोड़ा मॉइस्चर इनको देंगे तो ऐसी एक थ्रेड जैसी धागे जैसा ये स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है इनसे व्हाइट कलर का तो इनको क्या बोलते हैं आपके ऑप्शन है रूट थ्रेड स्प्रेड या फिर स्प्राउट अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ सीड इज कॉल्ड रूट जड़ थ्रेड धागा स्प्रेड या फिर स्प्राउट रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड फिश को बहुत ज्यादा नंबर्स में रेयर करना पालना और उनको मैनेज करना इस इसको क्या बोलते हैं आपके ऑप्शन हैं एग्रीकल्चर पीसी कल्चर हॉर्टिकल्चर या फिर एपी कल्चर फिश मछलियों को पालने को बहुत ज्यादा मछलियाँ जब पालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है एग्रीकल्चर पीसी कल्चर हॉर्टिकल्चर या फिर एपी कल्चर ये जो चारों हैं इन चारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको इनमें से एक बी कीपिंग को बोलते हैं हनी बीज मधुमक्खियों के पालने को एक तो फिश का है ही एक फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स जब हम ग्रो करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है और एक जिसमें हम क्रॉप्स उगाते हैं फसलें उगाते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन इज एग्स आर रिच सोर्स ऑफ एग्स में क्या चीज बहुत ज्यादा होती है ऑप्शन हैं प्रोटीन फैट्स विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स ओके okay, अब ये है आपके ऑल फिफ्टीन क्वेश्चन के आंसर्स अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है सी सेकेंड सी थर्ड ए फोर्टीन सी सॉरी फोर्थ सी फिफ्थ सी सिक्स्थ बी सेवेंथ बी एट्थ डी नाइन्थ डी टेंथ एलेवेंथ बी ट्वेल्थ सी थर्टीन डी फोर्टीन बी एंड फिफ्टीन ओके होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दैट्स ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग